चिल्लाओ मत, मैं हूँ। स्टूपिड, चिल्ला क्यों रही है? स्टूपिड, कामखा डरा दिया। पर तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? प्लान तो कल रात का था ना? आई नो बाबा, प्लान कल रात का था, पर तुम्हें वो लॉजिक तो पता है ना, कल करे सो आज कर। तो मैंने सोचा हम कल का दिन वेस्ट क्यों करें, जो करना है आज ही करते हैं। पर तू परवर छोड़, जल्दी कर, निकल यहाँ से, चल चल। अरे क्या म्यूजियम बना के रखा है घड़ियों का? पता नहीं ये लोग इतनी घड़ियों का क्या करते हैं। अरे लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो फायदा ही है ना। तुझे पता है ये एक एक घड़ी कितने लाखों में बिकने वाली है? सच्ची? सुन, एक काम करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी और पुरानी घड़ियां समेटते हैं, ठीक है? ठीक है, चल चल। क्या प्राइसलेस कलेक्शन है, लॉटरी लग गई हमारी तो। ये बहुत भारी है। अंकल वो हम आपका सिर्फ कलेक्शन देख रहे थे बस। इतनी रात गए, बेवकूफ समझ रखा है मुझे? अंकल सच में हम आपका कलेक्शन ही देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इन घड़ियों पर गंदी नजर डालने की? अंकल प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम तो मेरी भतीजी हो ना, ये करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अंकल अब गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। गलती हो गई ना, उसकी सजा भी मिलेगी। ये
क्या किया? तुम चलो यहाँ से, चलो चलो। आंटी, ये सब एक्सीडेंट था। ये क्या किया तुमने? पूजा, तुमने दोनों को मार दिया। पूजा, ये करना जरूरी था? अगर मैं उनको नहीं मारता, वो पुलिस को सब कुछ बता देती। तुम चलो यहाँ से, चलो चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बस कर यार, कितना घूरेगा। बहन है मेरी, वो तेरी बहन है, मेरी तो होने वाली बीवी है। होने वाली है, हुई तो नहीं है ना। टेक्निकली अभी पहले वो मेरी बहन है। तो तू आगे देख और गाड़ी चला। साला मिला भी इतना पोजेसिव। पोजेसिव शुक्र मना, सो रही है वो। अभी जाग रही होती ना तो ये सुनसान रास्ता देख के मैडम की हालत खराब हो जानी थी। एक्चुअली सही में तुझे तो पता है यार वो। ओ गॉड अर्जुन, कितना डार्क रास्ता है ये। गाड़ी ढंग से चलाना मनन, कहीं खराब ना हो जाए। अर्जुन, कहीं हम किसी भूतिया हवेली में ना फंस जाएं। कहीं हम पर आत्माएं ना हमला कर दे। और कहीं तुम्हारे पीछे बैठी हुई लड़की तुम दोनों का गला ना दबा दे। ओए अर्जुन, कैसी बातें कर रहा है? ओ हेलो, मैंने क्या बोला है? और कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, बदतमी सेंगा। तुम दोनों ना बस ही करो, नौटंकी में तुम दोनों की PhD है। टिश्यू है तेरी गाड़ी में? हाँ है ना, वहाँ पे। ये क्या है? ये देख भाई, तेरे मंगेतर का बचपन का फोटो। कितनी पुरानी पिक्चर है, हम लग ही नहीं रहे हैं। कम से कम हम 7-8 साल के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ यार, वक्त भी कितना जल्दी गुजर गया ना, पता ही नहीं चला। नहीं मैं। ये तेरी घड़ी में टाइम क्यों खराब है? 2:15 थोड़ी हुए हैं अभी। हाँ यार, गाड़ी को। गाइस, तुम
लोग कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे ना? बिकॉज इट्स रियली नॉट फनी. हाँ, मजाक नहीं है, सच में गाड़ी खराब हुई है. अरे मेरे भाई, यहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहा है. Damn. मैं जरा बाहर निकल के देखता हूँ क्या हुआ है. अर्जुन, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक तुम्हें बाहर जाना चाहिए. बाहर देखो कितना अंधेरा है. अरे रुक जा मेरी बहना, अर्जुन प्लीज. Guys, हाँ बाहर आओ. वो देख यार, लाइट दिख रही है, जाके बात करते हैं, शायद कुछ हेल्प मिल जाए. आई डोंट थिंक हमें उधर जाना चाहिए. आई थिंक हमें गाड़ी में ही रहना चाहिए पूरी रात यहीं पे. आर यू मैड? देखो अनिता, तो वहाँ चलते हैं, क्या पता हमें कोई हेल्प मिल जाए. सही कह रही है, एक बार बात करके देखते हैं, कुछ हेल्प मिल जाएगी यार. अंकल, वी आर सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, क्या आप प्लीज हमारी हेल्प करेंगे? अब इतनी रात को तो मैं कुछ नहीं कर सकता. हाँ, तुम चाहो तो कल सुबह मैकेनिक को बुला लेंगे. थैंक यू सो मच अंकल. और तुम सब इस वक्त आ कहां से रहे हो? वो आंटी, हम लोग एक शादी से लौट रहे थे. मैंने तो इन लोगों से कहा कि सुबह को निकलते हैं, लेकिन मनन का काम था ना, तो हमें अभी ही निकलना पड़ा. और आंटी, हमारा बैड लक देखो, बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई. बैड लक नहीं बेटा, गुड लक कहो. कि ठीक हमारे घर के सामने आके गाड़ी रुकी. अब तुम सब यहाँ रात बिताकर सुबह निकल सकते हो. थैंक यू सो मच आंटी, पर हम आपको पहले ही इतनी तकलीफ दे रहे हैं. तकलीफ किस बात की बेटा, इसे अपना ही घर समझो. हम तो खुश हैं कि इसी बहाने हमें नए मेहमानों से मिलने का मौका तो मिला, वरना काफी समय से हमने किसी की खातिरदारी नहीं की. सही कहा तुमने, फिलहाल तो तुम लोग खाना खा लो. और हाँ, यहाँ नजदीक में एक मैकेनिक है, तुम कल सुबह जाकर उसे बुला लाना. और वैसे भी मुझे तुम लोगों को अपनी एक कलेक्शन दिखानी है. कलेक्शन? कौन सा कलेक्शन अंकल? दिखाऊंगा, खाना तो खा लो. आओ. ये है हमारा कलेक्शन. इतने सालों में मैंने इतनी सारी घड़ियों का कलेक्शन किया है. और ये ग्रैंडफादर घड़ी, 1865 की घड़ी, ये कभी रानी विक्टोरिया के महल में रह चुकी है. या और ये घड़ी हमने फ्रांस के म्यूजियम के ऑक्शन से लाई है. हमारी सारी जिंदगी इन सबको ही संभालने में गुजर गई. अब तो लगता है कि ये सभी हमारी देखभाल कर रही हैं. क्यों, बराबर ना? जी.
वाह वाह। और अंकल इस घड़ी के पीछे क्या कहानी है जरा मैं देख लूं। Don't touch it। चल देखता हूं यार। बड़ी गलती कर गया बेटा। अभी तो तेरा वक्त भी नहीं हुआ था। बड़े दुख की बात है। मतलब अंकल नहीं अंकल नहीं अंकल दरवाजा खोलो अंकल। ये घड़ी को क्या हो गया? ये घड़ी क्यों पीछे जा रही? अर्जुन गुड मॉर्निंग अंकल गुड मॉर्निंग आंटी हाउ आर यू मॉर्निंग बेटा आओ नाश्ता करते नहीं नहीं आंटी बस आप गरम गरम चाय ले आओ ठीक है मैं अभी लाई अंकल क्या आपने अर्जुन को कहीं देखा नहीं बेटा पता नहीं सुबह से कहाँ चला गया है क्या पता शायद मैकेनिक को ढूंढने के लिए बाहर निकल गया हो एक तो सुबह से उसका फोन नहीं लग रहा है मनन, आर यू श्योर उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया तुम्हारा भाई है तुम पे जाएगा ना बता के जाती तुम कभी ये लो
फिर से नेटवर्क चला गया। यहाँ नेटवर्क नहीं है, कभी भी आता है कभी भी जाता है। अर्जुन की चिंता छोड़, वो बस आता ही होगा। तब तक तुम लोग रिलैक्स करो, यहाँ के जैसा शुद्ध वातावरण तुम्हें शहर में कहाँ मिलेगा। अंकल वो तो है। मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाके चेक करती हूँ, शायद नेटवर्क मिल जाए। फोटो ये सब तो मेरे बचपन में हुआ था। ये हो क्या रहा है यहाँ? बच्चे कहाँ चले गए? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। अनीता बेटा, कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ। आज मैं बहुत खुश हूं। अरे अनीता तुम, आज मैं बहुत खुश हूं। जानती हो क्यों? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी जो है, और जिस चीज का मुझे 20 साल से इंतजार था, वो चीज आज मुझे मेरी बीवी ने गिफ्ट में दी है। जानती हो क्या है वो? कौन हो तुम लोग? ये घड़ी, ये बहुत स्पेशल घड़ी है। किसी जीनियस ने इसे 150 साल पहले बनाया था। इस घड़ी की खासियत क्या है पता है? इस घड़ी से हम वक्त का रुख बदल सकते हैं। देखो देखो क्या हुआ, अभी तक तो तुम इस घड़ी को देखने के लिए बेचैन थी, अब जब मैं दिखा रहा हूं तो झिझक रही हो। इस घड़ी के पीछे क्या कहानी है, जरा मैं देख लूं। डोंट टच। ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? देखो ना, ये बहुत खूबसूरत घड़ी है। डरो मत बेटा। आओ बेटी, डरो मत। आ जाओ।
बेटी आओ। हमें यहाँ से जाना होगा, हमें यहाँ से अभी के अभी जाना होगा। ये लोग ठीक नहीं है। एक सेकंड, पहले मुझे बताओ कि हुआ क्या है। मनन, मैंने अभी तुम्हें बाहर देखा और तुम्हारे साथ अर्जुन भी था, लेकिन वो तुम नहीं थे। मेरा मतलब तुम थे, पर तुम 8 साल के थे मनन, और तुम लुक्का छुपी खेल रहे थे। क्या बोल रहे हो? जैसे बचपन में खेला करते थे। और ये अंकल आंटी, ये अंकल आंटी बूढ़े नहीं है, ये जवान है मनन। अनीता, क्या हो गया है तुम्हें? क्या बोली जा रही हो? वो जवान है, हम बच्चे हैं। Are you okay? मेरी बात का विश्वास करो। गर्मा गर्म चाय। तुम दोनों के लिए थैंक यू। वेलकम बेटा। बाद में पी लेंगे। नहाने के लिए ऊपर का बाथरूम यूज करना, गरम पानी सिर्फ वहीं आता है। यही बात मैं कुछ देर पहले अनीता से कर रही थी। क्यों बेटी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई शिकायत तो नहीं है ना हमसे? अच्छा, तुम फ्रेश हो लेना और किचन में आके हमारा हाथ बटाना। आज मैं तुम दोनों के लिए कुछ खास बनाने वाली हूँ। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं आंटी, कोई तकलीफ नहीं है। वैसे भी आपने हमारी इतनी मदद कर दी, इट्स मोर देन इनफ। और अनीता आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू बेटा। चले। के लिए माफी चाहती हूं। दो से ज्यादा लोगों का खाना बनाने की आदत नहीं है ना, लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मेहमानों की खातिरदारी करने में ही सबसे बड़ा सुकून है, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें भूख लगी होगी ना? जरा देखो तो सही, माइक्रोवेव में मीट हुआ कि नहीं? देखो, देखो, देखो। देखती हूँ। ओह, जल गया। लगता है अंकल की मदद लेनी पड़ेगी। तुम यही रुको, मैं अभी आई।
होगा। आ हा हा हा, कितनी अच्छी तरह से पक गया है, देखो। देखो देखो अनीता, मैं बहुत तेज बुखार, आराम चाहिए तुम्हें। मनन, मैंने अर्जुन को देखा। मनन, मैंने अर्जुन को देखा। हाँ अनीता, मुझे बताओ क्या हुआ बेटे, सब कुछ ठीक तो है ना? इस हालत में इसे बातचीत नहीं करनी चाहिए, तबीयत और बिगड़ गई तो। अपना ख्याल रखो बेटी। वो अंकल, अनीता कह रही थी कि उसने अर्जुन को देखा है। मेरे साथ किचन में थी जब ये बेहोश हुई, मैंने तो नहीं देखा। तेज बुखार होने पर अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं, इसे आराम की जरूरत है। वैसे मैंने भी सुबह से अर्जुन को देखा नहीं है, शायद वो अपने घर चला गया हो। हाँ बेटा, कुछ कहना चाहते हो? अनीता, बेवकूफ लड़की, अब तू नहीं बचेगी।
ये क्या कर रहा है? रुको! के हाथ का खिलौना नहीं होता अंकल, आपको लगा था कि समय आपका गुलाम है, पर देखिए आखिर आपका भी समय आ ही गया। चलो यहां से निकलते हैं। चलो चलो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.